आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया बॉर्डर मिजोरम जाने के लिए। जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग जो जाते हैं ना, वो सिलचर से मिजोरम जाते हैं, बट मैं आज आपके लिए एक नया बॉर्डर लेकर आया हूँ जो सीधे त्रिपुरा से जाता है। तो आप करें क्या, ये है मिजोरम के MLA। तो गाइस, मैंने जैसा आपको बोला था ना कि मैं आपको बड़े बड़े राइडर से मिलाने वाला हूँ, और काफ़ी अच्छे राइडर भी हैं, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं। तो मिलते हैं पहले भाई से। तो ये हैं वो भाई। और कैसे हो सब लोग? तो भाई, आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम है पल्लव। ये पल्लव भाई हैं, राइडर हैं और एक यूट्यूबर भी हैं काफ़ी बड़े, और हम जैसे छोटे यूट्यूबर के साथ आज भाई सब तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और भी हैं, उनसे भी आपसे मिलाते हैं। तो इधर ये भी हैं भाई, क्या नाम भाई आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भाई हैं ये, और एक हमारे ये भाई हैं, क्या नाम भाई आपका? अरे तो ये हाँ कह सकते हैं। और इधर भी हैं ये भाई भी हैं, तमाल भूमिक एकदम मस्त। और इधर भाई देखो, पूरी तरह से तैयार भी हैं, गोप्रो एकदम सेट करके सेम भाई हैं ये। और ये जितने भी हैं ना, ये राइडर प्लस यूट्यूबर, और ये बहुत इंडिया है, मतलब काफ़ी ये कवर कर चुके हैं। तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग मेरे को एक्सपीरियंस हुआ। तो थैंक यू भाई सभी के, थैंक यू। सारे राइडर लोग जो हैं यहाँ पर आकर खड़े हो चुके हैं, और आपको मैं बता दूँ ना, एक एक बाइक की कीमत जो है भाई, ये सामने देखिए बाइक जो कावासाकी कंपनी की है, 900 cc, 14 lakh, 14 lakh की इसकी वैल्यू है इस बाइक की। तो गाइस, आ गया वो टाइम फाइनली जुएल भाई को टाटा बाय बाय करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनके पास रहे थे, 4 से 5 दिन हो गए पूरे रहते रहते। तो ये रहे हमारे जुएल भाई, तो अब इनसे लेंगे विदा। और सच में यार बहुत, बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, होप यही रहेगी कि जल्दी मिले हम लोग। बट बहुत अच्छा लगा यार भाई से मिल के, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो जल्दी मिलेंगे नई एक नई जर्नी पर। तो जी फाइनली एक लिफ्ट मिल चुकी है पानी सागर के लिए, चलो बाइक। हाँ जी बाइक का है? नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब फ्री में ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ और लिफ्ट ले लेके जा रहा हूँ। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं पानी सागर। तो फिलहाल में अभी हमें पानी सागर, ये देखिए पानी सागर एक जगह है। अब यहाँ से हम दिखाएंगे आपको कि मिजोरम में आप कैसे एंटर कर सकते हैं त्रिपुरा से। तो अभी हमें त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा का जो एक शहर कह सकते हैं, जिसका नाम है पानी सागर। पानी सागर से हम जाएंगे किधर? अब उधर एक रास्ता है, ठीक है, वो जाता है सीधा मिजोरम बॉर्डर की ओर। तो अभी हम पानी सागर से दूसरी जगह का नाम है धामचेरा। तो धामचेरा अब हम जा रहे हैं यहाँ से धामचेरा। तो धामचेरा पानी सागर से अभी है 20 से 25 किलोमीटर। तो चलते हैं, लेते हैं यहाँ से अब हम लिफ्ट। और वैसे इस रोड पर यार मेरे को लगता नहीं है कि इतनी सारी गाड़ियाँ आती हों, काफ़ी कम गाड़ियाँ आती हैं। तो यहाँ से लेंगे हम सीधा लिफ्ट धामचेरा के लिए, मिलती है डायरेक्ट तो ठीक है, वरना टुकड़ों में जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यार कोई भी गाड़ी खाली नहीं आ रही जिससे कि मैं लिफ्ट लूँ। तो फाइनली हमें 3-4 किलोमीटर की लिफ्ट मिली थी, और भैया ने दे दी हमें लिफ्ट। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुब्रत दास। सुब्रत दास भैया का नाम है, और इन्होंने मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी गाइड भी करा मेरे को, तो थैंक यू भैया। तो भाई लोगों, इस रास्ते से ना बहुत कम ट्रैवलर लोग जो है ना वो मिजोरम की ओर जाते हैं। तो आज मैं आपको एक नया रास्ता दिखाऊंगा। तो भाई लोग इधर बुला रहे हैं, चलते हैं यार उनके पास, अगर बुलाएंगे तो जाएंगे। तो खैर अभी चलते हैं, भाई लोगों से मिलते हैं। जी भैया, मैं मिजोरम जा रहा हूँ। मिजोरम कहाँ से है? मैं उत्तर प्रदेश से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जी फाइनली हम इस रोड पर आ चुके हैं, और आगे से यहाँ से लेते हैं हम आगे के लिए लिफ्ट, और देखते हैं कितनी देर में हमें लिफ्ट मिलने वाली है। बट अमेजिंग यार, एकदम मस्त व्यू होने वाला है, छाँव है और आसपास कुछ लोग हैं, बढ़िया एकदम नज़ारे। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं सीधा लिफ्ट। लिफ्ट तो कहीं के लिए मिले, बट यार हमें मिल जाए जल्दी से। तो खैर सही है, चलते हैं आगे की ओर और दिखाएंगे सुंदर से नज़ारे। तो फाइनली हमें मिल चुकी है एक लिफ्ट हाफ लॉन्ग के लिए, तो इन भाइयों ने दी है, थैंक यू भाई। ओके तो बैठते हैं इस पर। हाँ हाँ ओके जाए जी, चलो भैया। तो जी जो भैया ने अभी हमें लिफ्ट दी थी, वो अभी हमें इस जगह ला कर अभी छोड़ दिया है, और वो खुद आगे के लिए लिफ्ट मेरे लिए कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। देखो गाड़ी रोक रहे हैं मेरे लिए आगे जाने के लिए, ये खड़े भाई, सच में अमेजिंग यार, हेल्प ही है, बहुत हेल्प कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया यार। आज आपको एक नया रास्ता दिखाएंगे मिजोरम के लिए, तो बस बने रहो शुरू से लेके एंड तक, क्यों छोटू बढ़िया है ना। तो गाइस आपको एक चीज़ और दिखा दूँ मैं, जो मैंने नहीं देखी थी, हालांकि मैंने पेड़ तो देख लिया था और पेड़ आपको दिखाया भी था,
तो अब वो भी चीज़ दिखाता हूँ, पेड़ होने के बाद में जो पेड़ से जो निकलता है ना, उसके बाद निकलती है भाई ये रबड़। तो इसको सुखाया जा रहा है ये रबड़, और रबड़ वही प्रोसेस है जो पेड़ से निकलता है ना वाइट वाइट सा, फिर कटोरी में खट्टा होता है, फिर ये लोग मशीन के द्वारा इस तरीका की ये सीड बनाते हैं, और ये सीड फिर जाती है मार्केट में। पर मेरे को इससे अच्छी तरह से पता नहीं इसका यूज़ एक्चुअली होता क्या है, तो भैया से पूछते हैं। भैया ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। भैया को नहीं पता सर, अगर आप बताएंगे ये रबड़ कहाँ मतलब बेची जाती है, ये वाली जो किस चीज़ में यूज आती है वाली रबड़, जो वैसी वाली नॉर्मल रबड़ आते वो होती है क्या? हम भी पता नहीं ये वो। अच्छा, चीज़ बन रहा है टायर, गाड़ी का टायर। अच्छा, तो भाई ये गाड़ी के टायर वाली रबड़ है, ये जो गाड़ी के टायर बनते हैं ना वो वाली रबड़। सच में ऐसा प्रोसेस होता है यार, देखा? खैर अच्छा लगा ना, तो मिलते हैं अभी आपसे आगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ये सब मेरी हेल्प करने के चक्कर में। गाड़ी रोकें, गाड़ी सीधा धामसिरा के लिए मिल जाए, तो अभी देखते हैं कि देर में हमें यहाँ से गाड़ी मिलती है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं कहाँ पर, धामसिरा। तो भाई से मिलाते हैं, भाई ने हमें पूरी लिफ्ट दी। तो ये है वो भाई, क्या नाम भाई आपका? नंदो। ओ तो भाई इधर से ही है ना साहब? हाँ, ये धामसिरा के बाद। अच्छा, ये इधर से ही है, एक मेरा दोस्त भी आने वाला है, और इधर ना मार्केट है, तो मार्केट को मेरे को थोड़ा एक्सप्लोर करना है। हाँ, जी इधर से भी मार्केट है। अच्छा, इधर से भी है। हाँ, मैं अभी देख के आता हूँ, फिर देखता हूँ। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, से जाओ। जी जी, थैंक यू भैया। तो जी गाइस चलते हैं आगे की ओर, और फाइनली पहुँच तो गए हम धामसिरा। यहाँ के दिखाएंगे पहले आपको मार्केट। तो जी इधर देखते हैं इधर क्या क्या है। यार कपड़े तो अच्छे हैं, टी शर्ट भी अच्छी है यार, अच्छी लगी ना टी शर्ट, ये भी अच्छी है यार पीछे वाली। तो खैर कपड़े अच्छे हैं, अब चलते हैं आगे की ओर, आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या है इस मार्केट में। ये है धामसिरा की मार्केट, तो धामसिरा की मार्केट देख लीजिए। ये है, इसमें दिखाते हैं क्या है पीछे, कोई है तो नहीं है, जैसा कि ये है भाई, जो मैंने पेड़ पर दिखाया था ना उस दिन, ऐसे पक्के ऐसे हो जाते हैं, और उसके बाद में ना ये निकलता है, और इसको फोड़ के फिर क्या होता है, जो पान में लगाई जाती है ना, जैसे वो रखा है फोड़ के जो रखा है पान में लगाने वाली, पान में लगा कर खाने वाली, वो सिपाड़ी है ये। तो चलते हैं जी आगे, और आज दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर बाकी। तो भाई ये हैं भाई, और भाई ये बेच रहे हैं। तो भाई इसमें क्या क्या बैज है, पहले बैज बताओ हमारे लिए। हाँ जी, बैज कौन कौन सा होगा? ये तो आई थिंक बैज नहीं है, तो मेरे को पता है बैज नहीं है इनमें से कोई सा भी, सारे नॉन वेज में हैं। ओके, और यार ये मैं ले लेता, बट ये भी नॉन वेज ही होगा ना भैया? अच्छा अच्छा, अंदर नॉन वेज डाला हुआ है, ये दिक्कत है। कोई नहीं भैया, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। तो चलते हैं आगे, और भाई दिखाते हैं आगे और क्या क्या है। ये पूरी मार्केट है धामसिरा की। अंडी के पास आपको समोसे मिलेंगे यार, समोसे। खैर समोसे हमें हर जगह देखने को नहीं मिलते, बट बढ़िया यार। और आपको आगे ना ये देखिए मंदिर भी देखने को मिलेगा। ओ यार बर्तन भी है यहाँ पर। तो गाइस आपको बर्तन भी मिलेंगे, बर्तन ले सकते हैं यहाँ पर एकदम चमके हुए। अंकल जी जी, ये क्या है वैसे? ओ आइसक्रीम, लस्सी। भाई ये वाली आइसक्रीम तो मैंने पहली बार देखी, अगर आपने खाई हो तो मेरे को ज़रूर बताना, थैंक यू। हमने अब कभी नहीं देखी ये वाली आइसक्रीम, थैंक यू। तो जी चलते हैं आगे, और तो ये मार्केट जो है ना धामसिरा की जो है, ये तीन चार स्टेटों को मिलाकर जब एक मार्केट लगती है, यानी कि असम, त्रिपुरा और कुछ मिजोरम के भी लोग यहाँ पर आते हैं इस मार्केट में। ये सूखी फिश है, ये सूखी मछली, इनमें से हमेशा स्मेल आती है। तो जी फाइनली हम पहुँचने वाले हैं मिजोरम की ओर, चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको मिजोरम का रास्ता। बाबा अंकल। तो जी फाइनल देखिए, ये देखिए मेरे पीछे जो बोर्ड लग रहा है ना, और बोर्ड के जस्ट बाद में ही पता है क्या है, यहाँ पर है ब्रिज, ब्रिज यानी कि लोहे का ब्रिज। जैसे हम ब्रिज पार करेंगे सीधा एंटर कर जाएंगे मिजोरम में, बट ब्रिज से पहले का जो एरिया है वो है पूरा त्रिपुरा। तो अब मैं क्रॉस करने वाला हूँ, यानी कि लो जी फाइनली आ गया मिजोरम में। तो स्वागत है आपका मिजोरम में फिर से दोबारा। और यहाँ पर मिल क्या रहा है, छोटे छोटे से पपीज यार, बड़े क्यूट लग रहे हैं, सो क्यूट
कितने का आंटी? 1000। एक पपी? ओके। कौन सी? एमएलए साहब की गाड़ी आ रही है उधर से। एमएलए सर, और सर कैसे हैं? बढ़िया हैं। बढ़िया हैं। कहाँ का है? मैं यूपी से हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं मिजोरम घूमने जा रहा हूँ। थैंक यू सर। मिजोरम के सर ने एमएलए, अच्छा त्रिपुरा के एमएलए सर हैं। थैंक यू। ओके। एमएलए सर, एमएलए से भी मिल रही है आज तो। खैर अच्छी बात है। एमएलए सर जी, तो जी फाइनली ये देखो नज़ारे, ब्रिज पर आ गए। ये ब्रिज है, उस पार है त्रिपुरा और इस पार हो गया मिजोरम। तो जी फाइनली आपका स्वागत है मिजोरम में। तो फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं मिजोरम में, और ये है पूरा मिजोरम और मिजोरम की मार्केट। हेलो ब्रो, थैंक यू। तो चलते हैं अंदर। अब कुछ अपने जो डॉक्यूमेंट प्रक्रिया, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट प्रक्रिया जो है वो पूरा करते हैं अंदर जाकर। और उससे पहले करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हेलो फ्रेंडली बिहेवियर है सबका, अच्छा है यार, बहुत बढ़िया। हमारा जो वेलकम हुआ है ना मिजोरम में, बहुत शानदार हुआ है। ऐसा ही हो आगे तक हमारा वेलकम। तो सुंदर नज़ारे दिखाते रहेंगे, बट अभी चलते हैं इधर ऑफिस की तरफ। तो चलते हैं यार उधर अभी। हेलो हेलो कहाँ से भैया आप? आप कहाँ से हैं? इधर है। अच्छा इधर से ही, मिजोरम से। थैंक यू, बाय बाय। चलते हैं जी आगे की ओर। हेलो बच्चों। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो मैं फिलहाल में हूँ अभी मिजोरम, और मिजोरम के थाने में खड़ा हूँ अभी। थाना यानी कि पुलिस स्टेशन। तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, गलत मत समझना, मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ काम कराने के लिए। कौन सा काम? तो आपको पता होगा, जैसे ही हम मिजोरम में एंटर करते हैं, तो मिजोरम में एंटर करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है ILP यानी कि इनर लाइन परमिट। तो हमने कहाँ से किया, हमने एंटर कहाँ से किया था, जो आपने पूरी वीडियो देखी होगी, तो हम वहाँ से एंटर करके आ रहे हैं। वहाँ से आने के बाद में हम आए सीधे थाने की ओर। तो थाना बॉर्डर से मैक्सिमम आधा किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, अपने ILP लेना है। तो ILP हमने ले लिया, और ILP के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ओनली आपका आधार कार्ड और दो आपके फ़ोटो, यानी कि एक आधार कार्ड और दो फ़ोटो चाहिए बस। और 350 इसका रेट है ILP का, और ये 7 डे के लिए वैलिड होगा, 7 दिन के लिए ओनली। तो ऐसा ये प्रोसेस है, ILP आपका बन जाएगा मैक्सिमम 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर। तो हमने अपना ILP बनवा लिया है, और अब देखते हैं, चलते हैं, घूमते हैं पूरे मिजोरम में। तो गाइस अभी हम हैं कनमून, और यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं आइजोल के लिए। बट आइजोल के लिए अभी यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 5, और यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है। और यहाँ पर गाड़ी चलती है, डेली रन करती है, बट वो सुबह के लिए रन करती है। तो अब तो हम सुबह के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी थी वो तो चलेगी, दिन में 2-3 गाड़ी हैं बस, सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती हैं। तो अब कल ले जाएंगे, तो अब कल के लिए देखते हैं क्या होता है। अब हम दिखाते हैं अपना टूरिस्ट लॉज, जो टूरिस्ट लॉज जो हमने लिया है ना, तो ये है इसका नाम खनमून। खनमून के नाम से टूरिस्ट लॉज है, और एंटर करते हैं इसमें। तो पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये हो गया आपका रिसेप्शन का एरिया, और इसमें एक चीज़ लिखी हुई है उन्होंने पहले ही, चेकआउट टाइम 12 नून, नून में मतलब आफ्टरनून। तो ये आपका रिसेप्शन होगा, और रिसेप्शन के साथ आपको एक टूरिस्ट मैप भी आपको दिया हुआ है। ये मिजोरम का पूरा मैप है, ये बड़ा अच्छी तरीके से लगाया हुआ है। और साथ में आपको एक यहाँ पर टीवी मिल जाएगी, और चेयर है, और आपको सामने पानी मिल जाएगा, आरओ वाला पानी है। बट आपको एक चीज दिखाऊं यूनिक वाली, ये देख रहे हो, ये लकड़ी बिछाई हुई है, ये पूरा लकड़ी का काम किया हुआ है, बेस्ट है एकदम। तो गाइस अब हम दिखाते हैं अपना रूम, तो चलते हैं रूम की ओर। और ये ऐसा एंट्रेंस होगा, ये आपको देखने को मिलेगा पूरा नज़ारा। और यहाँ पर आपको कुछ टेबल और चेयर आपको लगी मिलेंगी। तो चलते हैं नीचे की ओर, और ये पूरा हॉल टाइप में है, यहाँ पर आप पार्टी वार्टी कर सकते हैं। तो पूरा हॉल है ये, और उसके बाद है ये A5, ये हमारा क्या है, रूम है। ओपन हमने इसको किया, तो गाइस ये है पूरा हमारा रूम। तो ये देखिए बाहर से इसका पूरा व्यू एकदम शानदार है, और इसमें आपको 2 बेड आपको देखने को मिलेंगे, और आपको ये एक टेबल है,
छोटी सी, दो आपको चेयर लगी हुई हैं और कर्टन लगे हुए हैं, और इधर ये आपके दो बेड हैं, एक ये है और एक ये वाला बेड है, और सामने मेरा सामान रखा ही है। एक आपको स्टूल भी मिल जाएगा जिस पे आप अपना बोतल जो भी है वो रख सकते हैं। बाकी इधर अपना जो सामान है वो आप रख सकते हैं। इसमें अब आपको बाथरूम दिखाता हूँ। तो ये है बाथरूम का गेट, ओपन कीजिए इसको। तो गाइस ये है पूरा एकदम शानदार, एकदम नीट एंड क्लीन है। आपको ये सीट देखने को मिल जाएगी, नहाने का आपको उधर सामान लगा हुआ है, सामान यानी कि ये सामान। तो बढ़िया यार, ये तो यूनिक है। बट इसमें आपको गीज़र देखने को नहीं मिलेगा, तो गीज़र अभी नहीं है। और ये आपको वॉश बेसिन है, सामने सुंदर सा एक शीशा है। तो कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ ना, एकदम मस्त। हमेशा की तरह हम अपना पहला काम शुरू करते हैं, तो चलते हैं किचन की ओर। तो किचन में दिखाते हैं क्या क्या बन रहा है, क्या क्या चीज़ है। तो भाई ये है पूरी किचन, और ये मैम खाना बना रही है हमारे लिए। और अभी यहाँ पे क्या क्या रखा है अभी हम दिखाते हैं प्रॉपर। देखो भाई, बनाना रखा हुआ, केले रखा हुए हैं, और ये कुछ है चीज़ें जो हमारे समझ में नहीं आता। दूध है, दूध आई थिंक पाउडर वाला है मेरे ख्याल से। और ये हमारा बन रहा है बैच, ये हमारे लिए बन रहा है ना जी। तो ये है, और इधर पूरी किचन के सारे बर्तन वर्तन, और एक ये फ्रिज है। तो भाई ये होगी पूरी किचन, ये होगा हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पर हम बैठ के खाएंगे अब आराम से अपना खाना। दो टेबल लगी हुई हैं यहाँ पर, हमारा खाना लग चुका है। तो ये है पूरा खाना, तो अब दिखाते हैं आपको खाने में क्या क्या चीज़ है। तो इन्होंने राइस रख रखा है पूरे अलग उसमें, और ये है चटनी, चटनी अभी हम बताएंगे क्या क्या है। और ये है सब्जी मिक्स, इसमें सोयाबीन भी है और पत्ता गोभी मेरे को मिक्स लग रहा है। और ये सैलड है, नींबू और आपको टमाटर हो गया, प्याज ये रखी है, और ये है दाल। तो ये होगी दाल, और साथ में आपको फ्रूट में एक बनाना। तो बनाना यार ये डिफरेंट नहीं लग रहा बनाना। तो जी खाना हमारा आ चुका है, और खाना है ये पूरा लग चुका है, और हम खाएंगे और पूरी तरह से पेट भरेंगे। और हाँ, लास्ट में आपको क्या काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी। फाइनली हमने रूम तो ले लिया है, और रूम लेने के साथ साथ हमें रूम पड़ा कितने का है, तो रूम पड़ा है हमें 800 रुपये का। भाई खाना एकदम मस्त है यार, और जो चटनी है ना, ये जो चटनी है ये धनिया की भी है, इसमें धनिया मिक्स है, स्मेल आ रही है बढ़िया यार, एक नंबर चटनी, एक नंबर है, एकदम मस्त। खा रहे हैं ना खाना, गाइस इस केले का ना टेस्ट ना बहुत डिफरेंट है हमारे जो आम केले होते हैं ना। अब मैं खा रहा हूँ तो देखिए कितना तो येलो है अंदर से। तो गाइस फाइनली मैंने अपना पूरा टूर करा दिया है, और करते हैं यहाँ पर अपने ब्लॉग को समाप्त, और मिलते हैं आपसे एक नए और शानदार से ब्लॉग में। अच्छी अच्छी जर्नी कराएंगे, सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे। तब तक के लिए क्या करना है, टाटा बाय बाय।